सबसे पहले मैं 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया है, महाराष्ट्र सरकार भी इसमें शामिल है, यह हमारे लिए सभी के लिए गौरव की बात है। इसका बहुत बड़ा औचित्य भी है, तुकड़ोजी महाराज एक आध्यात्मिक पुरुष थे, इसके साथ ही उन्होंने जीवन भर सतत भ्रमण करते हुए अंधश्रद्धा निर्मूलन, सामाजिक एकता, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए बड़ा कार्य किया है। उन्होंने पूरे जीवन भर वेगपूर्ण विचारों से जागरूकता फैलाई है। मुझे खुशी है कि इस बार इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ विमन एम्पावरमेंट है। आज सावित्रीबाई फुले जयंती भी है, उनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। आज जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी भी है, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर रसायन, भौतिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय महिला वैज्ञानिक अपनी छाप छोड़ रहे, उनका बहुत योगदान रहा है। इस अवसर पर आज मैं उन महिलाओं वैज्ञानिक महिलाओं का स्मरण करता हूं जिनका कार्य भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, रहा है और आदर्श रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी राष्ट्र के विकास में अभी ड्राइविंग सीट ले लिए है उन्होंने, और विशेष रूप से पिछले 6-7 सालों में इसमें तेजी भी आई है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अवसर देने में महाराष्ट्र राज्य हमेशा सबसे आगे रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए सरकार कमिटेड है, कटिबद्ध भी है। इंडियन साइंस कांग्रेस का यह आयोजन छात्रों, शिक्षकों, रिसर्चर्स को निश्चित ही रूप से एक सुनहरा अवसर है, ऐसा मैं समझता हूँ। प्राइड ऑफ इंडिया प्रदर्शनी इस कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग है, और इससे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विश्व भर में क्या डेवलपमेंट चल रही है इसका अंदाजा भी आता है। मुझे जानकर भी खुशी हुई है कि बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जा रहा है। यह छात्रों को उनकी रुचि और आकांक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आज जहां पूरा विश्व दूसरे ग्रहों पर जाने की ओर इस अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया की खोज करने का प्रयास कर रहा है, वो हमारा देश भी पीछे नहीं रह सकता है। महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है, यहाँ की मैन पावर देश में और दुनिया की अच्छी स्किल्ड मैन पावर जानी जाती है। यहाँ के पीढ़ी में विज्ञान के संस्कार भी है, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग से बढ़कर भी सोचना चाहिए, अच्छे साइंटिस्ट और संशोधक बनना भी चाहिए, और इस साइंस कांग्रेस के जरिए यह प्रोत्साहन उन्हें मिलेगा, ऐसा हमें सभी लोगों को विश्वास है। यह साइंस कांग्रेस में किसानों और आदिवासियों का विषय का वो भी समाविष्ट किया गया है। किसानों के लिए कृषि तंत्र ज्ञान एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे पारंपरिक खेती के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे किसानों के जीवन में भी बदलाव लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिसपे गौर करना चाहिए। कृषि अर्थव्यवस्था को उभरने के लिए मैंने अभी जैसा कहा, यह बहुत जरूरी है। ट्राइबल कम्युनिटी को मुख्य धारा में लाने के लिए भी यह कोशिश महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दूरदर्शी नेतृत्व हमें मिला है, विज्ञान का किस प्रकार देश हित में इस्तेमाल किया जा सकता है इसका पूरा ख्याल रखते हुए उन्होंने कदम बढ़ाया है। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही देश की आत्मनिर्भरता इसका जीता जागता एक उदाहरण है। पिछले 7-8 वर्षों में भारत ने औषध निर्मिति, अंतरिक्ष अनुसंधान, परिवहन, दूर संचार, कृषि, मौसम पूर्वानुमान जैसे सभी क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है।
इसका सारा श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, देश को प्रगति की नई राह दिखाई है और पिछले 7-8 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है और इसीलिए हमें जी ट्वेंटी की अध्यक्षता करने का मौका मिला है और ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक गौरव की बात है। साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत एक आत्मनिर्भर बने, यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को एक कार्यक्रम, यह कार्यक्रम निश्चित रूप से शक्ति देगा, ऐसा हमें सभी लोगों को विश्वास है। इस यूनिवर्सिटी में पिछले बार 50 साल पहले इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ था, अभी ये 120 साल में फिर एक बार मेरे ख्याल से आदरणीय गडकरी जी के अनुरोध से मोदी जी और हमारे राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी के वजह से ये फिर एक बार मौका इस महाराष्ट्र को, इस नागपुर को मिला है। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और फिर एक बार इंडियन साइंस कांग्रेस को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेशन नेक्स्ट, न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।